और दही, दही भी अभी नहीं नहीं है ना जी। तर मित्रांनो, याही वाराणसीचं सर्वात फेमस असलेलं मला ही होतं, आपण ओनरला विचारूया कशापासून बनते हे। तो भैया थोड़ा इसके बारे में बताइए ना हमको। दूध का, दूध को हम लोग रात को उबाल करके छत पे रखा जाता है बड़े बड़े जालियों में। और उस जो पड़ता है इसमें, और सुबह इसको 5 बजे उठ करके इसको हम लोग मथते हैं। वो आपने देखा होगा मक्खन जैसे मथाता है बड़े बड़े मथलियों से। और इसको तैयार किया जाता है, और सुबह इसको मलाइयो सैफ्रॉन इलायची केसर इसको मिलाकर तैयार। इसमें फ्लेवर भी आते हैं क्या अलग अलग? नहीं नहीं, ये ओरिजिनल यही होता है, ओरिजिनल यही केसर वाला। केसर वाला ही। ओके। सबसे छोटी पर हमारे 30 रुपए पीस, और ये वेट से भी मिलती है। ओके। 400 kg टर में 3 से 4 महीने बस, जब तक ठंडी रहती है बिकती है। मतलब सिर्फ ठंडी के मौसम में मिलता है, विंटर में ही होता है। और इसके बड़े वाले क्या प्राइस है? ये तो 400 रुपए किलो होती है। 400 रुपए किलो। ये हमें आधा किलो इनको दे रहा हूँ। ओके। ये जो यहाँ ना आ पाए वो अपने घर पे ले जाके इसको खाते हैं। ओके। अरे आउट ऑफ। आधा किलो वाली तीन है, वो मलाई उठाओ, मलाई उठाओ। ये बोला लस्सी मिल जाएगी क्या भाई साहब? नहीं, लस्सी होते हैं अभी नहीं है। और दही, दही भी अभी नहीं नहीं है ना जी। इसको पैक कर आधा किलो में। कागज लगा के बनवा के नहीं पति लगा।